दिल्ली, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में एक पारी और 47 रनों से हार का सामना किया। कप्तान शान मसूद ने हार के कारणों पर चर्चा की। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है, लेकिन रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनकी अनुपस्थिति में कप्तानी कौन करेगा, यह सवाल बना हुआ है। भारत में क्रिकेट के नए घरेलू सीजन की शुरुआत शुक्रवार से होगी, जिसमें रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के लिए 19 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया है, जिसमें पूर्व अंपायर अलीम डार शामिल हैं। इंग्लैंड ने मुल्तान में पहले टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 47 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को पारी और 47 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह पाकिस्तान की क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में से एक है। भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए लंदन से लौट आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका स्वागत किया। न्यूजीलैंड ने टॉम लैथम को कप्तान नियुक्त किया है। भारत दौरे पर लैथम ने बेखौफ खेल का आह्वान किया है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 823 रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया। पीसीबी पर गेंदबाजों को बॉल टैम्परिंग सिखाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार की कगार पर है। बाबर आजम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है, जिससे फैंस नाराज हैं।